वंदेहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैश्वांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता शिवशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्या प्रसादान्नगतिः कुतोऽपि ध्यायां स्तुवांस्तस्य शास्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दं नमो महाबदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरद्विषे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरि प्रिये जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ऐ छे गोसाईर कोरी चरण वंदन जहां होइते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे राम श्री राधे गोविंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे राम श्री राधे गोविंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे राम श्री राधे गोविंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे राम श्री राधे गोविंद जय जय श्री राधे श्याम। एक बार फिर हम उपस्थित हैं महाप्रभु की गंभीर लीलाओं के ऊपर चर्चा करने के लिए। ये सुगंभीर लीलाएं जो उन्होंने प्रकट की नीलाचल में, और नीलाचल का एक कक्ष जिसे हम गंभीरा के नाम से जानते हैं, जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री राधा रानी का महाभाव अंगीकार करके सबसे सुंदर लीला, सबसे सुंदर, सबसे ज्यादा आस्वाद्य लीला जो किशोरी जी की है, वो है दिव्योन्माद लीला, जो माथुर विरह में उन्होंने आस्वादन किया, सखी मंजरियों ने आस्वादन किया, और वही लीला आस्वादन करने का, वही रस आस्वादन करने का लोभ श्री कृष्णचंद्र में उपस्थित हो गया, और वो हो गए श्री गौरांग महाप्रभु। और उन्होंने गंभीरा में इतना भरपूर आस्वादन किया है श्री राधा रानी का महाभाव अंगीकार करके, मोहनाख्या महाभाववती श्री राधा रानी का पूरा उन्होंने भाव ले रखा है, और उस भाव में जो उन्होंने निज रूप यानी कृष्ण रूप, कृष्ण लीला का आस्वादन किया, ऐसा आस्वादन अकथनीय है।
इसका वर्णन करना भी बड़ा ही विचित्र है। कौन करेगा वर्णन? महाप्रभु और गुरुदेव शक्ति देंगे तो लेश मात्र वर्णन हो सके तो हो जाए, स्वयं तो ये कार्य संभव नहीं। इसीलिए गुरुदेव की बहुत ही प्यारे प्रवचनों को आधार बनाकर, उन प्रवचनों पर आधारित चर्चा हम कर रहे हैं। हमारे प्यारे गुरुदेव ने श्री गौरांग महाप्रभु की सुगंभीर गंभीरा लीला का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। कविराज गोस्वामी पाद जी ने जिस प्रकार से श्री चैतन्य चरितामृत के मध्य भाग के मध्य लीला में जो द्वितीय परिच्छेद है उसमें जो इतना सुंदर वर्णन किया है सूत्र रूप में, उस सूत्र को बहुत ही अच्छी तरह से विश्लेषण किया है गुरुदेव ने। हम सुनते चले आ रहे हैं इतने दिनों से, हमारे गुरुदेव के ही शब्द हैं सबके सब, और चूंकि उन्होंने बांग्ला में पूरा का पूरा प्रवचन दिया है और हमारा प्रयास है कि अपने हिंदी भाषी समस्त श्रोताओं को हम अपने गुरुदेव के इन प्रवचनों से वाकिफ कराएं, परिचित कराएं कि देखिए गुरुदेव के जो प्रवचन हैं वो कितने अमृतमय हैं। तो पिछली दफा हम चर्चा कर रहे थे एक सूत्र पर जहाँ पर श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कह रहे हैं, तीन द्वारे कबाट प्रभु जायन बाहिरे, कभू सिंह द्वारे पड़े कभू सिंधु नीरे। हमने सुना कि किस तरह से महाप्रभु कभी सिंह द्वार पर जाकर के मिलते थे, रात ही में निकल जाते थे या निकल गए थे, और किस तरह से जब वहाँ पर मिले स्वरूप दामोदर गोस्वामी आदि समस्त भक्तगण को तो वो कूर्माकृति में थे, उनका पूरा कूर्माकार हो गया। और जब उनको लाया गया वापस उनके कक्ष में और हरिनाम सुनाया गया तब उन्होंने कहा कि तुम मुझे ये कहाँ पर ले आए। और तब उन्होंने स्वरूप दामोदर जी से कहा कि कुछ रसायन मेरे कान के लिए कहो, मेरे कान बहुत त्रसित हो रहे हैं, कुछ अमृत दो मुझे, कृष्ण कथा कहो। और उस समय रास का एक प्रसंग छेड़ा श्री स्वरूप दामोदर जी ने, जहाँ पर बताया जा रहा है कि इस जगत में कौन सी ऐसी स्त्री है जो आपके वेणु के द्वारा आकर्षित नहीं होती, आपके रूप के द्वारा आकर्षित नहीं होती। और रास में आई समस्त गोपियों को जब श्री कृष्ण ने कहा कि ये जो तुम आई हो अपने पति सेवा को छोड़ करके, ये अधर्म है, तुम वापस जाओ अपने पतियों के पास, इतनी रात को तुम क्यों यहाँ आई हो, क्या करने आई हो यहाँ पर, जंगल की शोभा देखने आई हो क्या, या फिर कहीं कोई मुसीबत आ गई है और मुझे तुम लेने आई हो, कारण क्या है, क्यों आई हो। स्वयं श्री कृष्ण ने वेणु बजाया, वेणु वादन किया और गोपियां चली आई खींचते हुए। तो पिछली दफा आपने जाना कि श्रीमन महाप्रभु कैसे गोपी भावावेश में श्याम सुंदर की मुरली का प्रभाव बता रहे हैं कि तुम्हारी जो मुरली है, तुम्हारी जो बंसी है वो इतनी जादू भरी है कि ऐसा लगता है कि जैसे कोई दूती है, कोई योगिनी है जिसको सिद्ध मंत्र आता है, सिद्ध मंत्र में पारंगत है, उसका काम ही यही है कि वो समस्त स्त्रियों का धैर्य लज्जा उनकी कुल मर्यादा सब डुबो करके और उन्हें तुम्हारे हाथों में लाकर समर्पण कर दे। तो ऐसी तुम्हारी बंसी है, और ये नहीं है कि उस बंसी से हम ही आकर्षित हुए हैं, स्थावर आकर्षित हुए हैं, जंगम आकर्षित हुए हैं, उस बंसी से कौन आकर्षित नहीं होता। त्रि जगत में तुम्हारी बंसी, तुम्हारा रूप आखिर किसे आकर्षित नहीं करता। तो ऐसा कहते कहते बहुत भावोद्गम उत्पन्न हुआ, बहुत भाव भावों का सम्मर्दन हुआ, भाव साबल्य उत्पन्न हुआ, और अंततः भाव जब शांत हुए तो मति नामक संचारी भाव उनके अंदर उदित हो गया। महाप्रभु बोले कि मुझे तो बस एक ही उपाय नजर आ रहा है इस दुख से शांति पाने का, और वो यह है कि कृष्ण प्राप्ति की आशा को एकदम छोड़ दिया जाए।
कृष्ण प्राप्ति की आशा और अधन्य कृष्ण कथा बिल्कुल छोड़ दिया जाए, कृष्ण कथा ही नहीं सुननी, श्री कृष्ण की मुझे याद ही नहीं आनी चाहिए, स्मरण मात्र नहीं होना चाहिए, तब मेरे हृदय को शायद शांति मिले, है ना। तब उन्हें पिंगला जी की उक्ति याद आ गई। पिंगला जी ने बोला, श्रीमद् भागवतम के एकादश स्कंद में जब दत्तात्रेय जी बता रहे हैं कि उन्होंने कैसे अनेक गुरु बनाए, तो पिंगला नामक वेश्या की भी बात हुई, जहां उन्होंने कहा था, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परम सुखम। जो आशा है वो क्या है? परम दुखम है। आशा परम परम दुखम है, लेकिन अगर आशा किसी तरीके से हट जाए और निराशा हो कि अरे कोई नहीं आने वाला, हम तो इससे अच्छा अपने भगवान से बात करें, हमारे हृदय में रहते हैं, वो तो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते, अपने दुख अपनी तकलीफें अगर उनसे कहूँ, उनसे लाड़ लड़ाऊँ, उनको रिझाऊँ, तब ज़्यादा अच्छा होगा, ऐसा पिंगला ने सोचा। और पिंगला जी ऐसा सोच करके एक बहुत सुंदर भक्त बन गई। तो महाप्रभु इस समय यही कह रहे हैं कि आशा ही है परम दुख। तो श्री चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, देखी ए उपाय कृष्णेर आशा छाड़ी दिए, आशा छाड़ी ले सुखी होय मन, छाड़ी कृष्ण कथा अधन्य, कहो अन्य कथा धन्य, जाते कृष्णेर होय विस्मरण। आशा जब तक रहेगी श्री कृष्ण को प्राप्त करने की, तब तक हृदय दुखी रहेगा, पर वो प्राप्त होंगे भी, ये कोई आवश्यक थोड़े ही है, है ना। प्रिया जी ये सोच रही हैं, कितनी कितनी बाधाएं आ जाती हैं, लोकलाज आ ही जाता है, हैं? कितने बंधन आ जाते हैं, कितनी मर्यादाएं सामने आ जाती हैं, और फिर जब चाह श्री कृष्ण प्राप्त हो जाए, ऐसा भी थोड़े ही है, पर किया भाव है भाई, पर किया भाव में ही रस का उत्कर्ष है, रसोल्लास है, और इसी का आस्वादन कर रहे हैं हमारे श्याम सुंदर, हमारी राधा रानी आस्वादन करा रही हैं परकिया भाव में। लेकिन यहाँ परकिया जो है वो मात्र भाव है, ये तो हम जानते ही हैं, पति मन्य गोप हैं। गुरुदेव बताते हैं कि ये जितनी गोपियाँ हैं, योग माया ने इनका ब्याह करवाया अवश्य, लेकिन ना तो इन गोपियों ने अपने पतियों का मुख देखा, ना इन पतियों ने इन गोपियों का मुख देखा, तो फिर मात्र अभिमान की पुष्टि के लिए, कि अभिमान ये होना चाहिए कि हम जो है ब्याहता है, इस अभिमान की बहुत ज़रूरत है, पर किया भाव की बहुत ज़रूरत है रसास्वादन करने के लिए, श्री कृष्ण का माधुर्य तृष्णा के साथ आस्वादन करने के लिए, अपरिमित तृष्णा दोनों तरफ हो, दुर्लभता हो, अनेक अनेक बाधाएं हो, गोपनीयता हो, प्रच्छन्न प्रेम हो, छुपाना है प्रेम को, है ना, यही रस को बढ़ाता है। तो इन्होंने देखा नहीं, लेकिन जो माया की बनी हुई गोपियां हैं वो यहां वहां डोलती रहती हैं पति के आमने सामने, जो असली गोपियां हैं वो नहीं जानती इस बात को, और जो पति हैं वो सोचते हैं कि हाँ वो गई। और गुरुदेव ये भी कहते हैं कि इन गोपियों के प्रति, उन गोपों के हृदय में काम भाव उत्पन्न नहीं होता, उन्हें छूने का मन नहीं करता, उल्टा वो भक्ति भाव से भर जाते हैं, भक्ति भाव से, है ना। तो परकिया भाव और परकिया अभिमान कि मैं जो है कुल वधु हूं, इसकी बहुत आवश्यकता थी, और इसीलिए हम देखते हैं कि ये महाराष्ट्र में जो भगवान कह रहे हैं गोपियों से, और गोपियां प्रत्युत्तर दे रही हैं, और जो उनकी हालत है, या भ्रमर गीत में श्री कृष्ण प्रिया जी को छोड़कर, गोपियों को छोड़कर चले गए, और जो उनका दिव्योन्माद है, ये तो आ ही नहीं सकता था अगर भाव स्वकीय होता, है ना, कहाँ से आ सकता था, साथ ले गए, ले जाते अगर स्वकीय भाव होता। तो यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु प्रिया जी के उसी भाव में डूब करके कह रहे हैं कि यही उपाय है एकमात्र, कि मैं श्री कृष्ण की आशा छोड़ दूं, आशा छूट जाएगा तो मन सुखी हो जाएगा, और मैं श्री कृष्ण की बात करना भी छोड़ देती हूं, मुझे श्री कृष्ण की बात भी ना करनी है ना सुननी है, तब क्या होगा,
जब बात होगी नहीं तो भूल जाएंगे। या तो किसी को रोज देखते हैं, रोज मिलते हैं तो वो याद रहता है, या कोई उसकी बातें करता है तो वो याद रहता है, वरना याद आने की संभावना कहाँ है। तो ये सब छोड़ देते हैं। श्री राधा रानी की ये वाणी है, और ये जो वाणी है वो लीला शुक जी जो थे बिलमंगल ठाकुर, उन्होंने श्री कृष्ण कर्णामृत में इसी बात को कहा। उन्होंने क्या कहा, किमिह कृणुमह कस्य ब्रुमह कृतम कृतमाशया कथयत कथा मन्याम धन्याम हो हृदयेशया मधुर मधुर स्मेराकारे मनो नयनोत्सवे कृपण कृपणा कृष्णे तृष्णा चिरंबत लंबते। श्लोक पाठ कर रहे हैं और रोए जा रहे हैं, इसी श्लोक के अनुसार प्रलाप कर रहे हैं, सखी छोड़ दो, अब छोड़ दो, कृष्ण कथा नहीं बोलेंगे। श्री राधा रानी अपनी सखियों को इस दिव्योन्माद दशा में कह रही हैं, अब जाने दो, कृष्ण कथा के बारे में कोई बात ही नहीं करनी है, मुझे नहीं जानना वो कहाँ हैं, कब आएंगे या क्या हुआ करता था, सब छोड़ दो, अन्य बात कहो, मेरे पास आओ तो कोई और बातें किया करो, कृष्ण की बातें मत किया करो, ताकि श्री कृष्ण की विस्मृति हो जाए, प्रिया जी बोल रही हैं। तो श्री राधा रानी इस भाव में एक दिन श्री कृष्ण की आशा को त्याग करने के लिए, क्योंकि आशा को त्याग करना होगा ना तभी बात बनेगी, तो श्री कृष्ण की आशा को त्याग करने के लिए ललिता विशाखा जी से बोली, और श्री कृष्ण कथा बोलना नहीं, आशा अगर छोड़ दिया तभी मैं सुखी हो पाऊंगी, भूलना तो होगा ही उसको, अगर सुख चाहिए तो भूलना होगा। तब ललिता जी बोली, राधे तुम यदि कृष्ण को भूल सको तब तो हमें बड़ी ही शांति मिलेगी, क्योंकि तुम्हारे दुख से ही हम दुखी रहते हैं, तुम्हें देख देख कर ही दुख होता है, तुम्हारी जो हालत ऐसी हो गई है, श्री कृष्ण का चिंतन कर करके उनकी आशा ले लेकर के ही तो तुम्हारी ये अवस्था हो गई है जो हमसे देखी ही नहीं जाती है। तो देखो ये तो हम जानती हैं कि तुम भूल तो सकोगी नहीं, पर अगर भूल जाओ तो बड़ी शांति। ललिता जी बोल रही हैं, श्री राधा रानी बोल रही हैं, ठीक है मैं भूलने को तैयार हूं सखी, बस इतना बता दो भूलने का उपाय क्या है, कैसे भूलूं, जब कह रही हो कि भूल जाओ तो उपाय भी बता दो। तो ललिता जी बोली, देखो राधे हमने तो नंदी मुखी और पूर्णमासी के पास सुना है कि जो ब्रह्म ध्यान करते हैं, जो ब्रह्म की साधना करते हैं, वो श्री कृष्ण की बातें बिल्कुल भूल जाते हैं, उन्हें श्री कृष्ण कथा से ज्यादा कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि ब्रह्म ध्यान या ब्रह्म का ध्यान तो नीरस होता है, वहां रस कहाँ है और वहां कृपा भी कहाँ है ना, कृपा अगर हो जाए तो ब्रह्म में परिवर्तन आ जाएगा, है ना, ब्रह्म कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, यही ब्रह्म की विशेषता है। कृपा आ जाए या रस आ जाए या आपका हृदय सरस हो जाए, तो बोल रहे हैं कि तो ये तुम अगर उपाय करो, ब्रह्म साधना करो, तो तुम श्री कृष्ण की बात भूल जाओगे, तो तुम ऐसा करो, इस उपाय का अवलंबन करो, तब तुम्हारा चित अपने आप नीरस हो जाएगा, नीरस हो जाएगा, बिल्कुल शुष्क हो जाएगा, तो श्री कृष्ण को तब तुम भूल सकोगी। राधा रानी ने बोला, सखी ये तो बताओ ब्रह्म ध्यान करना कैसे है, भाई जब उपाय बता रही हो तो सिखाओ भी, करना कैसे है। तब ललिता ने बोला, देखो भाई ये सब तो हम नहीं जानती कैसे करना है, पर ये विद्या विशाखा के पास है, ये बहुत सुनिपुण है सारी विद्याओं में, तुम विशाखा के पास ही जाकर सीखो। तब राधा रानी आई विशाखा जी के पास और बैठ गई। उन्होंने पूछा, बोलो सखी ब्रह्म ध्यान का क्या उपाय है, कैसे करूं ब्रह्म ध्यान,
विशाखा जी ने बोलना शुरू किया, कुछ खास नहीं, बस यही बोलती रहो, यही सोचो अहम ब्रह्मास्मि सो अयम तत्वमसि। ये तीन ही महामंत्र हैं उनके, है ना, अहम ब्रह्मास्मि मैं ही ब्रह्म हूँ, सो अयम वो जो है वही मैं हूँ, तत्वमसि मैं ही वो हूँ, यही सब चिंता करो। विशाखा जी ने देखा कि किशोरी जी ने चिंता करने का प्रयास किया, चिंतन कर रही हैं वो, और उसके बाद इतना रोने लगी श्री राधा रानी, एकदम रोने लगी। विशाखा जी ने कहा, अरे राधे, ब्रह्म ज्ञान सुनने से तो हृदय नीरस हो जाता है, ये तो हमें पता है, पर देख रही हूं कि तुम बहुत रो रही हो, रो क्यों रही हो, हृदय तो नीरस हो जाता है, जब हृदय नीरस हो गया तो फिर रस ही नहीं है, तो फिर क्रंदन भी कहाँ होगा, भाव ही नहीं है, भाव का भाव हो जाता है। तो राधा रानी बोल रही हैं, सखी तुमने जितना निर्गुण और निराकार ब्रह्म का उपदेश दिया है, जितना तुम निर्गुण निराकार ब्रह्म का उपदेश देती जा रही हो, उतने ही मेरे हृदय में वो गुणमय नव नीरदाकार, वो नवीन बादल के रंग वाले श्री गोविंद आकर के उदित हो रहे हैं। जितना मैं ब्रह्म का ध्यान कर रही हूँ वही आ रहे हैं, ब्रह्म तो आ नहीं रहा। तो हमारे प्यारे गुरुदेव कहते हैं, गीता में श्री भगवान ने कहा है ना, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, मैं ब्रह्म की घनीभूत मूर्ति हूँ। ब्रह्म ही जब घनीभूत है तो वो कृष्ण है, या श्री कृष्ण के शरीर का जो एफलजेंस है, जो उनकी जो उनका जो प्रकाश प्रकाशमय विग्रह है, साकार है ना, लेकिन ज्योतिर्मय है, तो वो जो ज्योति है वही ब्रह्म है। तो गुरुदेव कह रहे हैं, अगर आपको तत्व वस्तु को पाना है तो आराधना भी तो वैसी होनी चाहिए, है? जो ब्रह्म ज्ञानी है उन्हीं के निकट तो जाएंगे ब्रह्म, लेकिन जो प्रेम की सिंधु हैं प्रिया जी, किशोरी जी, उनके निकट ब्रह्म थोड़ी ना जाएंगे, उनके निकट तो घनीभूत पर ब्रह्म श्री गोविंद ही जाएंगे, आएंगे ही आएंगे। श्रील कविराज गोस्वामी पाद एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, उपासना के भेद से जानी ईश्वर महिमा, उपासना भेदे जानी ईश्वर महिमा, कि उपासना के भेद के अनुसार ही ईश्वर की महिमा हम जान सकते हैं। जैसी उपासना होगी वैसे ही ईश्वर का प्रकाश होगा। जो ब्रह्म की उपासना कर रहा है, निराकार ब्रह्म की, तो उसे निराकार ब्रह्म मिलेगा, है ना। जो परमात्मा की उपासना कर रहा है, योगी परमात्मा का ध्यान कर रहा है, तो उसे परमात्मा का प्रकाश मिलेगा। लेकिन प्रिया जी तो है परम महान प्रेमवती, इन दोनों में किसी में प्रेम नहीं है, दोनों कैटेगरीज में, लेकिन प्रिया जी अपने आप बनी ही प्रेम से है, महाभाव से उनका निर्माण हुआ है, तो प्रेम का ही सिंधु है। तो गुरुदेव कह रहे हैं, उनके निकट ब्रह्म भला कैसे आ सकते हैं, ब्रह्म आएंगे ही नहीं। विलाप कर रहे हैं अब महाप्रभु, हरी सखी ठीक नहीं हुआ, मैं श्री कृष्ण को भूल नहीं पाया। श्री राधा जी का भाव लेकर के, सखी ये मेरा क्या हुआ, मैंने प्रयास किया, ब्रह्म का ध्यान करने का प्रयास किया, लेकिन ब्रह्म का ध्यान करने बैठी हूं तो फिर गोविंद ही आ गए, क्योंकि घनीभूत ब्रह्म वही है। तो कोहिते ही होइलो स्मृति, चित्ते होइलो कृष्ण स्फूर्ति, सखी के कहे हुइया विस्मिते, जारे चाही छाड़िते, शेई शुइया आचे चिते, कोनु रीते ना पारी छाड़िते। महाप्रभु कह रहे हैं प्रिया जी का महाभाव लेकर के, कि हे सखी, बड़ी विस्मित होकर कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनको अंदेशा था कि जब मैं ब्रह्म का ज्ञान करूंगा, माने ब्रह्म का ध्यान करूंगा, है, तो अचानक ही श्री कृष्ण मेरे हृदय में फिर से प्रकट हो जाएंगे, इसलिए विस्मित हैं, हैरान हैं, है? कि मैंने भूलने का प्रयास किया, अचानक ही कृष्ण की स्मृति कहां से आ गई। तो कह रहे हैं, जिनको मैं छोड़ना चाह रहा हूं ना सखी, मैं छोड़ना चाह रही हूं, राधा भाव में है, मैं जिसको छोड़ना चाह रही हूं
तुम्हें पता है क्या है? क्या? वो तो मेरे चित्त में ही सोया रहता है, वो वहीं सोया रहता है, और उसको कैसे छोड़ूं मैं? किसी तरीके से उसे निकाल नहीं पा रही हूं। अब बिछोना ही वही है मेरा हृदय। राधा भावेर स्वभाव आन, कृष्णे कराए काम ज्ञान, काम ज्ञाने त्रास होइलो चित्ते, कहे एई जगत जे जगत मारे सेई पोषिलो अंतरे, एई बैरी ना दे पाशरिते। श्री राधा रानी के भाव का स्वभाव एक अलग प्रकार का है। श्री कृष्ण में उनको काम का ज्ञान होता है, श्री कृष्ण स्वयं काम है, और काम ज्ञान से ही उनका चित एकदम त्रास युक्त हो जाता है, भय युक्त हो जाता है। वो कहती हैं, जो जगत को मारता है वो मेरे हृदय में ही घुस गया, क्योंकि उसे पाने की ही तो इच्छा, उसको पाने की, उसकी सेवा करने की ही इच्छा से तो मैं भरी हुई हूं। जो जगत को मारता है, कौन मारता है? काम। हम इस जगत में देख रहे हैं तो पूरा जगत काममय है, ये शरीर भी काम से ही तो बना हुआ है, काम से ही तो प्रकटित है ये शरीर, इसीलिए तो इतना इतना माया का खेल खेलता है ये शरीर। तो बोल रही है कि ये जो मार है ये तो जगत को मारता ही है। कंदर्प का, गुरुदेव कह रहे हैं कंदर्प का एक नाम है मार, जो मारता है जगत को। हम अपने आसपास बहुत अच्छी तरह से देखते हैं, समाचारों में देखते हैं, आसपास नजर पड़ जाए तो यही दिखता है ना, पूरा जगत ही इससे बना है। तो इसीलिए, क्योंकि वो जगत को मारता है, इसका नाम मार सार्थक हुआ। तो वो तो जगत को मार रहा है, अचानक देखते ही देखते श्री चैतन्य महाप्रभु का भाव परिवर्तित हो गया, भाव सम्मर्द विलीन हो गया। जो भाव शाबल्य था, इतने सारे भाव उठ रहे थे, अब विलीन हो गए, समाप्त हो गए। अब एक इतना बड़ा भाव उदित हुआ कि उस भाव ने समस्त भावों को युद्ध में हरा दिया, सारे भाव विलीन हो गए, एक ही भाव रह गया। वो भाव क्या है? गुरुदेव कह रहे हैं वो भाव ऐसा है कि जैसे कोई सम्राट युद्ध में विपक्ष को पराजित करके अपना साम्राज्य फैला लेता है, ऐसे ही एक सम्राट आ गया, भाव रूपी सम्राट श्री चैतन्य महाप्रभु के मन में। वो है औत्सुक्य, उत्सुकता, व्याकुलता। औत्सुक्य प्रावीण्य जिति अन्य भाव सैन्य, उदय कैलो निज राज्य मने। कृष्ण प्राप्ति की लालसा, व्याकुलता, आवेग, ये है औत्सुक्य। श्री कृष्ण प्राप्ति की लालसा इतनी बढ़ गई, क्योंकि पहले ही बोल रहे हैं कि जिसको मैं भूलना चाह रही हूं वो तो मेरे चित्त में ही सोया है, और अचानक ही देख रहे हैं कि तुम्हारा ही नाम मार है, तुम काम हो ना, साक्षात मेरे हृदय को तुम जला रहे हो, है ना। अब ये तो आपको पता ही है कि राधा रानी तो खैर प्रेम सिंधु है, किसी गोपी में काम भाव नहीं है। काम का मतलब होता है अपनी इंद्रियों की संतुष्टि, अपनी इंद्रियों की संतुष्टि, और प्रेम का मतलब होता है श्री कृष्ण की इंद्रियों की संतुष्टि। हमारे आचार्यों ने कहा कि जो काम है वो अंधतम अंधतम अंधकार है, अंधकार ऐसा कि जिसमें थोड़ा बहुत शायद दिख भी जाए पर ये अंधतम है। यहां अपने उंगली, अपने हाथ को भी नहीं देख पाएंगे, अपने आप को नहीं देख पाएंगे, काम इतना भयंकर है, और जगत काममय है, तो यहां खुद को कहां देख पाएगा व्यक्ति कि मैं श्री कृष्ण का सेवक हूं? काममय है, बचपन से लेकर के काम उदय हो जाता है, ये खरीदना है, वो खरीदना है, ये करना है, ये चलना है, ऐसे चलना है, जवानी में, बुढ़ापे तक में पीछा नहीं छोड़ता है। तो ये तो जगत का, जगत की बात हो रही है, लेकिन जो श्री कृष्ण का प्रेम है, जो कि श्री जी के हृदय में सदा रहता है, और श्री जी जिससे बनी हुई है, वो है श्री कृष्ण की सेवा। हाँ, श्री कृष्ण की सेवा के लिए ही उनकी लालसा है। श्री कृष्ण को प्राप्त क्यों करना चाहते हैं?
श्री चैतन्य महाप्रभु श्री राधा भाव में, उनकी सेवा के लिए, उनकी सेवा के लिए व्याकुलता है, आवेग है। तो ये जो भावों का सम्मर्द है ना, उसमें जितनी दीनता उठ रही थी वो सब को पराजित कर दिया इस उत्सुकता ने कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, चलो मैं कृष्ण को भूल ही जाऊं, है ना, उनकी कथा छोड़ दी जाए, सब कुछ वो सोच रही थी। लेकिन अब वो सब एक ही भाव ने सब भावों को पराजित कर दिया और अब उत्सुकता आ गई, उत्कंठा आ गई, अब स्थिर नहीं रह पा रहे हैं। बोल रहे हैं, हाँ नागर तुम कहाँ हो, कहाँ जाकर तुम्हें पाऊं, बोलो कोई तो उपाय बोलो। बहुत ही दर्द है उनके इस पुकार में, कहाँ गेले तुम पाए, तुम्ही कहो तहाँ जाई, ऐतो कही चलिलो धाइया, स्वरूप उठी कोले कोरी, प्रभुरे आनिलो धोरी, निज स्थाने बसाइलो लोइया। एकदम हृदय में बस एक ही बात, सारे भाव समाप्त, एक ही व्याकुलता कि कहाँ जाकर तुम्हें पाऊं। अभी तो बोल रहे थे भूलेंगे, अभी बोल रहे थे नहीं भूल पाएंगे, है ना, नहीं भूल पाएंगे, नहीं भूल रहे हैं, वो हृदय में ही सोया हुआ है। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो जगत को मारता है वही तो मेरे हृदय में बैठा है, तो मुझे नहीं मारेगा क्या, ये वैरी है वैरी, ये मुझे भूलने नहीं देगा। बोले जा रहे हो, अचानक श्री कृष्ण की स्मृति इतनी प्रबल हो गई कि उनको पाने की व्याकुलता से भर गया पूरा श्रीमन महाप्रभु का तन मन। और ये कहते ही वो दौड़ चले, कहाँ गेले तुम आ पाई, तुम ही कहो तहाँ जाई, ऐतो कही चोली लुधाइया, दौड़ चले। स्वरूप जी उठे और उन्होंने उन्हें अपनी गोद में भर लिया और उनको अपने स्थान पर बिठाया। महाप्रभु कोटि समुद्र गंभीर हैं, कोटि कोटि समुद्र जितना गहरा होता है ना, एक समुद्र ही बहुत गहरा होता है, कोटि कोटि समुद्र से भी अधिक गंभीर हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। तथापि उत्कंठा की कितनी प्रबलता है, कितना प्रबल उत्कंठा, कितनी प्रबल व्याकुलता उनके हृदय में है, सोचने की बात है। बोलो कोथाए गेले तुम्हा के पाबो, बोलो कहाँ जाकर तुम्हें पाएंगे। ये बोलकर वो जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं इसे ही कहते हैं दिव्य उन्माद, दिव्य उन्माद। तन की, मन की, धाम की, जगह की, किसी भी चीज की कोई सुध बुध नहीं है, सिर्फ एक ही लक्ष्य है, श्री कृष्ण 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 कृष्ण। इस जगत में भी पागलपन होता है, वो है उन्माद, पागलपन, बीमारी, जहाँ इंसान अपना नाम पता भूल जाता है। लेकिन वैसे भी तो देखा जाए हर व्यक्ति उन्मादित है, बीमार है, वो भूल ही गया कि मैं श्री कृष्ण का अंश हूँ। जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, भला पता ही कितनों को है, तो हर व्यक्ति ही उन्मादित है, बीमार है। लेकिन ये जो उन्माद है जहाँ सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण ही एकमात्र विषय है, तो यह दिव्य, क्योंकि श्री कृष्ण ही विषय होने चाहिए हर चीज के, हर प्रयास के। और जहां पर आप पूरा चिंतन उन्हें ही केंद्र बिंदु बनाए हुए हैं, तो फिर तो उस भाव की बात ही क्या है, है ना। तो स्वरूप दामोदर प्रभु को बिठाए और काफी समझाया उन्होंने, काफी समझाया। गुरुदेव कह रहे हैं कि जिस दिन अस्थि संधि वियोग हुआ उस दिन कोई प्रलाप नहीं हुई थी, कुछ नहीं बोले श्रीमन महाप्रभु ज्यादा। लेकिन जब ये कूर्माकृति अनुभव हुआ उसका तो विशेष रसमय प्रभाव हुआ, जो कि हमने अभी देखा कितना कुछ कहा श्रीमन महाप्रभु ने। तो ये हुआ तीन द्वार का कपाट, कैसे खुला, खुला ही नहीं था, कैसे महाप्रभु प्राचीर लांग करके चले गए, छत से लांग करके गए, कैसे गए, हाँ। और तीन द्वारे कपाट, प्रभु जायन बाहिरे, कबू सिंह द्वारे पड़े। बाबा कह रहे हैं कि ये जो सिंह द्वार पर श्रीमन महाप्रभु जाकर पड़े थे ऐसा दो बार हुआ, आर कबू सिंधु नीरे, और कभी कभी समुद्र के, कभी माने कभी, एक बार समुद्र के जल में भी एक विचित्र अवस्थिति में वो दिखाई दिए। वो समय क्या था, गुरुदेव कह रहे हैं
वो समय था शारदीय पूर्णिमा की रात थी, शारदीय पूर्णिमा की रात, शरद ऋतु थी, रास पूर्णिमा की रात थी। रास के उद्दीपन में श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ उपवन उपवन में नृत्य कर रहे थे। किशोरी जी का भाव है और सारी के सारे जितने भी पार्षद हैं वो सब गोपियां हैं, तो नृत्य कर रहे थे, एक एक श्लोक पढ़े और एक एक श्लोक पढ़ करके उसी भाव में नृत्य कर रहे हैं। कितने कितने भाव श्रीमन महाप्रभु के देह और मन में प्रकट हो रहे हैं और वो भाव श्री चैतन्य महाप्रभु को नचा रहे हैं, भाव नचा रहे हैं। किसी किसी समय तो इतना आनंद हो जाता कि वो मूर्छित ही पड़ जाते हैं, मूर्छित दिखाई देते हैं, और किसी समय चल रहे हैं तो गान कर रहे हैं, गान भी कर रहे हैं और चल भी रहे हैं और नृत्य भी कर रहे हैं। कविराज गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि यह जो श्री चैतन्य महाप्रभु की भाव भंगिमाएं हैं ये वर्णन करने की वस्तु नहीं है। एक एक श्लोक का जो आस्वादन कर रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, रास के समस्त श्लोक, वो इतने प्रभावमय हैं कि प्रत्येक का विश्लेषण करना संभव नहीं है। कौन कर पाएगा, कौन कर पाएगा गौर लीला का वर्णन कोई कर पाए, ये किसकी शक्ति है। श्री चैतन्य चरितामृत में हमारे प्यारे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद स्वयं अपने श्रीमुख से कह रहे हैं, सहस्र बदने जोबे कही अनंत, एक दिने लीलार तबु ना ही पाए अंत, कोटि जुग पर जंत जोदि लिखिए गणेश, एक दिने लीलार तबु ना ही पाए शेष। जो अनंत देव हैं उनके तो हजारों मुख हैं, हजारों मुख से भी अगर वर्णन करें ना तो भी एक दिन की लीला का वर्णन नहीं कर सकते, गौर लीला का। और अगर कोटि युग तक गणेश जी लिखते रहे उनकी लीला तो भी एक दिन की लीला का अंत नहीं पाया जा सकता। एक कोटि युग अगर गणेश जी के तरह लेखक हो और सहस्र बदन की तरह अनंत देव भी अगर बोले तो भी शेष नहीं होगा। इसीलिए खोने खोने उठे प्रेमार तरंग अनंत, जीव छार कहां तार पाई बेक अंत। प्रत्येक क्षण में प्रेम की अनंत तरंगे उठ रही हैं, अनंत अनंत। जीव जो एक तुच्छ सा है, क्या है उसका परिमाण, अणुजीव, वो भला क्या अंत पाएगा जब ये सब अंत नहीं पा सकते। दिग्दर्शन यानी सिर्फ एक डायरेक्शन मात्र दी गई है यहाँ पर, और कुछ नहीं। समुद्र का एक बिंदु मात्र ही बताया गया है श्री चैतन्य चरितामृत में भी, कविराज गोस्वामी जी स्वयं ये बात स्वीकार करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो ये सब भी एक दिन की लीला का पार नहीं पा सकते हैं, क्यों, कारण बता रहे हैं श्री कविराज गोस्वामी पाद। भक्त प्रेमिर जतो दशा जे गति प्रकार, जतो दुख जतो सुख जतेक विकार, कृष्ण ताहा सम्यक ना पारे जानीते, भक्त भाव अंगीकारे ताहा आस्वादिते। भक्त के प्रेम को समझने के लिए श्री कृष्ण को भी चमत्कार लगता है। भक्त का प्रेम, इसीलिए तो श्री कृष्ण अणुजीव के अणु प्रेम को पाने के लिए भी कितने प्रयास करते हैं और वो स्वयं स्वीकार करते हैं कि भाई मैं तो अपने भक्तों के पीछे पीछे उनकी चरण धूली लेने के लिए जाता हूं। भाई तुम्हारे पास तो अंदर ही आह्लादनी शक्ति है जो तुम्हें तुम्हारे स्वरूप का आनंद दे रही है अमूर्त अवस्था में, और जब मूर्त हो जाती है तो प्रिया जी हैं, तुमको विभिन्न प्रकार के भावों का, समस्त भावों का ही आस्वादन दे रही हैं, तब फिर भक्त का क्या आवश्यकता है। नहीं, भक्त के हृदय में जब ये प्रेम जाता है ना, जब भक्त का हृदय इस प्रेम को रिसीव करता है, सुमार्जित भजन के द्वारा मार्जित हृदय आह्लादनी और संवित शक्ति की वृत्ति विशेष को जब प्राप्त करता है और वो प्रेम का रूप ले लेता है, तो उसका आस्वादन बहुत अधिक होता है श्री कृष्ण के लिए। तो इसीलिए कह रहे हैं कि भक्त के प्रेम की को, मतलब थोड़े से प्रेम को भी जब समझने बैठते हैं श्री कृष्ण तो चमत्कृत हो जाते हैं, हैं? ऐसा है ये प्रेम तत्व। भक्त के प्रेम की जितनी चेष्टाएं हैं
भक्त प्रेम में क्या कुछ नहीं करता, क्या कुछ नहीं कहता, कैसे विलाप करता है, कैसे हाहाकार करता है, क्या कुछ नहीं बोलता, जितनी गति है और जितना प्रकार है, कितने तरह के भक्त प्रेम और जितने प्रकार के भक्त और उनका उतना ही प्रेम, प्रेम के भी उतने ही प्रकार, हाँ, और किसी का कम, किसी का ज़्यादा, किसी का और भी ज़्यादा, किसी का बहुत ही ज़्यादा, और सबका ही अपना अलग आस्वादन, सबका ही अपना अलग प्रयास। तो कृष्ण भी समझ नहीं पाते भक्त के प्रेम की इतनी चेष्टाओं को, इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई मुझे खुद भक्त बनना होगा ये सब आस्वादन करने के लिए, क्योंकि जब मैं भक्त बनूंगा और मैं जब कृष्ण प्रेम करूंगा तब मुझे समझ आएगा कि ये भक्त क्या सोचते हैं, इन भक्तों की भाव किस तरह के होते हैं। लेकिन वो आस्वादन करने के लिए ये सोचते हैं कि भाई किसका मैं भाव लूं, तो अणुजीव का भाव लेने से तो कोई फायदा नहीं है। तो जो सबसे ज्यादा प्रेममयी है, क्योंकि प्रेम का आस्वादन करना है, जो सबसे ज्यादा प्रेममयी है उन्हीं का भाव ले लिया जाए, तब हम जो आस्वादन करेंगे श्री कृष्ण के नाम का, रूप का, लीला का, वो अलग ही होगा, है ना। तो गुरुदेव कहते हैं कि श्री राधा रानी की जो आह्लादनी शक्ति है, उसका एक बिंदु वृत्ति, पूरी आह्लादनी शक्ति की एक बिंदु वृत्ति, उसका ही क्षुद्रतम वृत्ति भक्त के भीतर जाकर प्रेम हो जाती है, है ना। जैसे कि हमने बताया कि श्री राधा जी की तो दो प्रकार की स्थिति है ना, एक तो मूर्त और एक अमूर्त। शक्ति तो अमूर्त अवस्था में ही है, जिसका जो कुछ शक्ति है ना, उसकी तो कोई मूर्ति नहीं। जैसे तुम्हारे अंदर कोई शक्ति है तो मैं कहूं भाई इसमें तो बड़ी शक्ति है, ये तो ये सब उठा लेता है, लेकिन शक्ति की तो कोई मूर्ति नहीं है। ठाकुर जी में जो आराधनी शक्ति है उसकी कोई मूर्ति थोड़ी ना है, जब अंदर की बात हो रही है, जो उनको स्वरूप का आनंद दे रही है, वो तो चित शक्ति है, हाँ, जड़ शक्ति तो नहीं है इस जगत की तरह। तो चित शक्ति अमूर्त रूप में एक प्रकार से है कृष्ण के अंदर, और फिर बाहर जो है उसी की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा जी हैं, उस रूप में है, साक्षात सेवा कर रही हैं, अलादनी शक्ति की सारभूता अखंड महाभाव स्वरूपणी। तो ये प्रेम ऐसी वस्तु है कि श्री कृष्ण पूरी तरह उसको जान ही नहीं पाते हैं, प्रेम को वो समझ ही नहीं पाते हैं। भक्त की प्रेम की चेष्टा, गति, प्रकार देखते हैं तो बेशक वो सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, लेकिन भक्त के प्रेम के आगे उन्हें हार मानना पड़ता है, हार जाते हैं, समझ ही नहीं आता ये भक्त का प्रेम। तो ये पागल करने वाली वस्तु है भक्त का प्रेम उनके लिए, तो इसलिए कैसे समझेंगे उसे, है। इसीलिए आज भक्ति भाव और भक्त भाव को अंगीकार किया है श्री ब्रजेंद्र नंदन ने, श्री नंद नंदन ने, और बन गए हैं गौर हरि, गौरांग महाप्रभु। तो जब भगवान यहाँ पर किसी भाव को अंगीकार करेंगे, तो गुरुदेव कह रहे हैं कि तो वो भाव वही अंगीकार करेंगे जो सबसे बड़ा हो। तो इसीलिए परम महान प्रेमवती श्री राधा जी का परम महान प्रेम को ही उन्होंने अंगीकार किया है, और उस परम महान प्रेम का, ये वाली बात ध्यान से सुनने वाली है, परम महान प्रेम है किशोरी जी का, तो परम महान प्रेम का प्रकाश कहाँ है? क्या रासलीला में है, या रोज अभिसार करती हैं वहां है, या श्री कृष्ण की मादन उपचार के द्वारा सेवा करती हैं वहां है, वहां भी परम महान है। लेकिन सबसे ज्यादा इसका चरम विकास और सर्वोत्तम विकास है इसी दिव्योन्माद में, जो हम भ्रमर गीत में सुनते हैं, सबसे ज्यादा विकास है प्रिया जी के इस परम महान प्रेम का। इसीलिए हमारे प्यारे गुरुदेव कहते हैं कि रासलीला से भी बड़ी चीज है ये भ्रमर गीत, किशोरी जी का प्रेम, अकेली किशोरी जी का प्रेम आस्वादन करने के लिए श्याम सुंदर के प्रति, है ना। तो वही वो भोग कर रहे हैं और उसी का आस्वादन कर रहे हैं यहां पर। इसलिए जहां पर श्री कृष्ण ही एक भक्त के प्रेम का पार नहीं पा सके कि ये भक्त का प्रेम कितना असीम है, ना जाने राधिकार प्रेमे आछे कतो बल, जे बले अमाए सदा करे विवल, जहां वो उन्हें स्वीकार करना पड़ता है
प्रिया जी के प्रेम में मुझे भी नहीं पता कितना बल है। अरे भाई, तुम संवित शक्ति युक्त हो, ज्ञान शक्ति युक्त हो, सर्वज्ञ हो, सर्वशक्तिमान हो, तुम्हारे लिए क्या क्या मुश्किल है? तुम बोल रहे हैं कि मुझे नहीं पता, राधिकार प्रेम गुरु अमी शिष्य नट, से प्रेमे अमाय सदा करे उद्भट। ये प्रेम से हमें उद्भट करती रहती है, हम नाचते रहते हैं, प्रेम हमें नचाता है। प्रिया जी का कितना बल है, तो कितना बल है वो सोचते रहते थे श्याम सुंदर के रूप में, बार बार देखते थे जब प्रिया जी की चेष्टाओं को, प्रिया जी के प्रेम को, तो सोचते थे तो कितना बल है ये तो तुम नाप ही नहीं सकते। बिना श्री जी के भाव को लिए तुम नापोगे कैसे? तुम्हें श्री जी बनना पड़ेगा, तुम्हें किशोरी जी बनना पड़ेगा, तभी तो नापोगे कि कितना बल है, तभी समझ आएगा। दूर से थोड़ी ना पता चलेगा कि समुद्र के अंदर क्या है, समुद्र के किनारे खड़े हो, अगर तुम समुद्र में नहा भी रहे हो तो भी नहीं पता चलेगा समुद्र की गहराई, समुद्र ही बनना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए अगर कृष्ण ही प्रिया जी के प्रेम का पार नहीं पा सके तो एक साधारण जीव क्या पार पा सकता है। हम लोग महाभाव की बातें करते हैं, दिव्य उन्माद की बातें करते हैं, प्रिया जी की कितना कुछ बातें करते हैं, लेकिन दुख इस बात का है, कष्ट इस बात का है कि जीवात्मा भला क्या मतलब सोच सकते हैं। वो तो श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा हुई है कि प्रिया जी का भाव, महाभाव ये एक आस्वादन की वस्तु बन गया है या चर्चा की विषय वस्तु बन गया है ना, गुरुदेव की कृपा है ये तो। तो इसीलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं कि स्वयं भगवान आज श्री राधा जी के प्रेम का आस्वादन स्वयं कर रहे हैं, और उनकी कितनी चेष्टाएं हैं और कितने कितने प्रकार हैं। कविराज गोस्वामी पाद जी की वाणी की सार्थकता है, उनकी सार्थकता ये है कि उन्होंने कहा है कि यदि कोई कहे कि स्वयं अनंत देव सहस्र मुख से बोल करके पार नहीं पा रहे हैं, स्वयं गणेश लिख करके उसे समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, तब तो ये इतना असीम है, इतना अनंत हो गया। जहां गणेश जी हार जाते हैं, स्वयं गोविंद हार जाते हैं। भक्त के प्रेम की गति का वर्णना करते करते स्वयं गोविंद हार मान लेते हैं। और आज जो श्री राधा जी के प्रेम का भाव अंगीकार किया है स्वयं भगवान ने, तो फिर वो भला कौन वर्णन करेगा? जब प्रिया जी के भाव का ही वर्णन नहीं हो रहा, तो जो गौर सुंदर का भाव है उसका वर्णन कौन करेगा? तो बात सही है, वाकई कोई नहीं कर सकता। जितना भी हम सुनते चले आ रहे हैं और जितना भी सुनेंगे, वो सिर्फ समुद्र का एक बिंदु मात्र है, यही गुरुदेव कह रहे हैं, है ना। तो गुरुदेव आगे जो है बता रहे हैं, जहां पर सिंधु के नीर में श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रेम का आस्वादन कर रहे हैं और कैसे वो सिंधु के जल में पड़ जाते हैं, ये बता रहे हैं कि एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु श्लोक पाठ करते करते जल केली के श्लोक का पाठ करने लगे, जल केली का। और जल केली का श्लोक जैसे जैसे पढ़ रहे हैं, वैसे वैसे सामने समुद्र था, समुद्र की तरंग तरंग पर जो प्रतिबिंब पड़ रहा था वो था पूर्ण चंद्रमा का प्रकाश, है ना, पूर्ण चंद्रमा का प्रकाश पड़ रहा था। और उन्हें लगा ये तो यमुना जी हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि हम ये बता रहे हैं कि वो समुद्र को नहीं देख रहे थे श्रीमन महाप्रभु वहां पर, तब यमुना जी का ही प्रकाश हो गया था, क्योंकि जैसे भगवान विभू हैं वैसे ही यमुना जी भी विभू हैं, वृंदावन धाम विभू हैं, गोवर्धन धाम विभू हैं। भक्त की इच्छा अनुसार वो वहां प्रकट हो जाते हैं, जो प्रगाढ़ इच्छा होती है वही हुआ, उन्होंने वाकई वहां यमुना जी देखी। किंतु साक्षात तो पार्षदगण उनके साथ हैं, वो कुछ समझ नहीं पाए, कुछ समझ भी नहीं पाए, अर्थ भी नहीं समझ पाए कि वो कहां पर आ गए हैं। रात हो गई थी, समझ ही नहीं आ रहा कि हम कहां पर आ गए हैं। और अलक्षित
मतलब किसी को पता भी नहीं चला, अचानक समुद्र में कूद गए श्री चैतन्य महाप्रभु जमुना जी बोल के, ये सोच के कि जमुना जी है, प्रिया जी का भाव है ना। और गुरुदेव कह रहे हैं मूर्छा देवी ने आकर तुरंत प्रभु की सेवा की, और जलनिधि का नाम है रत्नाकर, वो रत्न का आकर है, यानी समुद्र में रत्न ही रत्न होते हैं। लेकिन आज समुद्र ने जिस प्रकार का रत्न पाया है, क्या ऐसा रत्न कभी पाया बताओ। श्री रसराज महाभाव एकाकृति श्री राधा कृष्ण एकात्म रूप में पाया है, श्री चैतन्य महाप्रभु को पूर्णतम भगवान पूर्णतम परब्रह्म श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को पाया है। आज ही तो हम समुद्र को रत्नाकर कह सकते हैं, ऐसा महादिव्य रत्न पाया है। तो ये जो गौर निधि है, ये है प्रेम रत्न की पराकाष्ठा। तो आज समुद्र के आनंद का कोई अंत नहीं। गुरुदेव वर्णन कर रहे हैं कि वो अपने छाती पर धरकर, अपने हृदय पर धरकर, अपने तरंग रूपी हाथों के द्वारा सेवा कर रहे हैं समुद्र श्रीमन महाप्रभु का। कभी प्रभु को डुबाते हैं तो कभी उठाते हैं, कभी डुबाते हैं तो कभी उठाते हैं। और प्रभु यमुना की गोपियों के संग क्रीड़ा कर रहे हैं, देख रहे हैं, है ना। जमुना ते जल केली गोपी गण संगे, कृष्ण करे महाप्रभु मग्न से रंगे। गुरुदेव यहां भी बताते हैं कि जब महाप्रभु देख रहे हैं कि कृष्ण गोपियों के संग जल केली कर रहे हैं, तो वहां स्वयं को कृष्ण रूप में भी नहीं देख रहे, वहां स्वयं को श्री जी के रूप में भी नहीं देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि वो तीर पर खड़े हैं, जमुना जी के तीर पर खड़े हैं। तो जमुना जी के या श्री राधा कुंड के तीर पर जल केली कौन देखता है? मंजरियां देखती हैं, मंजरियां देखती हैं। तो जब कूर्माकृति हुई तब भी वो मंजरी भाव में थे, और जब यहां पर समुद्र में जल केली का ध्यान चल रहा है, वहां पर भी इसी भाव का आस्वादन चल रहा है, क्योंकि प्रिया प्रियतम की एकत्र माधुरी का आस्वादन चल रहा है ना। राधा भाव में तो श्याम सुंदर की माधुरी का आस्वादन, और यहाँ पर तो जब युगल माधुरी का आस्वादन शुरू हुआ तो महाप्रभु स्वयं को संभाल नहीं पाए। तो गुरुदेव कह रहे हैं भक्तगण मगर एकदम दिशा हारा हो गए कि महाप्रभु कहाँ चले गए हमारे बीच में से, अभी तो नाच रहे थे, अभी तो गा रहे थे, अचानक कहाँ चले गए? क्या प्रभु ने अंतर्धान कर लिया? क्या लीला समेट ली? खोज रहे हैं, कहीं नहीं मिल रहा है, कहीं नहीं, महाप्रभु मिल ही नहीं रहे हैं। अनेक अनेक दिशाओं में घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, कोई सिंह द्वार पर गया, कोई चिराइया पर्वत की तरफ चला गया, कोई चटक पर्वत की तरफ चला गया खोजने के लिए, परंतु महाप्रभु की इच्छा से ही स्वरूप दामोदर जी कुछ पार्षदों को संग लेकर के चल दिए कोणार्क की तरफ। कोणार्क जगन्नाथपुरी जी से कोणार्क थोड़ा दूर है, बहुत पास नहीं है। अब वर्णन आया कोणार्केर दिखे प्रभु के तरंग लोइया जाए, कभू डुबाइया राखे कभू भसाइया लोइया जाए। है कोणार्क की तरफ ही समुद्र की तरंग ले गई है उनको। अब उसी तरफ जा रहे हैं स्वरूप जी, खोज रहे हैं, देख रहे हैं यहां वहां और चलते जा रहे हैं। अचानक उनकी भेंट हुई एक मछुआरे के साथ, कांधे पर एक जाल था और मुख में कृष्ण 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 बोल रहा था, वो कृष्ण 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 कृष्ण, और सारा देह उसका कांप रहा था और देह में अश्रु पुलक, आंसू बह रहे थे, पुलकित था पूरा। स्वरूप जी ने मन ही मन सोचा इसके पास कुछ हो सकता है, प्रश्न किया, अरे ओ मछुआरे यहां आओ, यहां आसपास किसी को तुमने देखा क्या? बहुत ही त्रस्त होकर डर करके उस मछुआरे ने कहा, ठाकुर उस तरफ जाना नहीं, वहां मनुष्य नहीं है, निर्जन है वो जगह, पर हां वहां एक भूत है। ठाकुर मैं तो रात को इस समुद्र में आकर मछलियां पकड़ता हूं, आज जैसे ही मैंने जाल फेंका तो खूब भारी लगा, मैंने सोचा बहुत बड़ी मछली फंसी है,
बड़ो मत से बोली आमी उठाइलो जतने मृतक देखते मोर भय होइलो मने। मैंने सोचा कि कोई बड़ी मछली फंसी है, लेकिन मैंने देखा उसके अंदर तो एक मृतक है, एक शव है, है? लेकिन ठाकुर असल में वो मृतक नहीं था, गौ 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 शब्द कर रहा था, उसके मुंह से गौ 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 निकल रहा था, हाथ और पैर चार चार पांच पांच हाथ लंबे हो गए थे, उसकी अस्थि संधि जो है वो अस्थि जो थी ना अस्थि, वो अपने जोड़ों को छोड़ करके चली गई थी, मतलब लंबे हो गए थे क्या, ये जो पैर है या जो हाथ है ये एकदम अपने संधि को छोड़ दिया था, और बीच में चमड़ा लटक रहा था, सब जगह चमड़ा ही लटक रहा था, ऐसा रूप। हाँ महाप्रभु भी तो बोल रहे हैं कि जब मैंने उन्हें देखा तो लगा कि अब मैं नहीं बचूंगा, मैंने ऐसा रूप ही नहीं देखा कभी। हाँ स्वरूप जी समझ गए सब कि इन पर महाप्रभु की कृपा हुई है। तो बोले ठाकुर रोज ही तो मैं मछली पकड़ता हूं, और कभी कोई भूत प्रेत मुझे ना लगे इसलिए मैं नरसिंह भगवान का नाम करता हूं, किंतु ए भूत नरसिंह नामे चापी है द्विगुणे, ताहार आकार देखी भय लागे मने। लेकिन जब मैं नरसिंह नाम करता तो ये भूत डबल उछलता, है ना, ऐसा लगता मुझे पकड़ ही लेगा। उसका आकार देख करके मेरे मन में भय लग गया, इतने लंबे लंबे चार हाथ, चार पांच हाथ लंबे तो उनके हाथ हो गए, पैर हो गए। नरसिंह बोला, बोलने का भी कोई उपाय नहीं, मैं समझ गया है, क्योंकि ये जो है ना जैसे नरसिंह बोलता ये भूत मेरा जैसे गर्दन पकड़ लेता। तो ठाकुर अब तो मैं जा रहा हूं भूत के ओझा के पास, भूत झड़ाऊंगा एक तो। साक्षात देखी चो मोरे पाइलो से ही भूत, मुई मरिले मोर कैसे जीवे स्त्री पूत। भैया मैंने तो उस भूत ने मुझे धरा, और अगर मैं मर गया तो मेरे बच्चे कैसे जिएंगे। उनका तो कोई नहीं है, इसलिए मैं ओझा के पास जा रहा हूँ। सब सुनकर स्वरूप दामोदर जी ने कहा, अरे सुनो, भूत के ओझा के पास जाने का कोई मतलब नहीं है, है ना, भूत का ये जो भूत है ना इसका बड़ा ओझा मैं ही हूं। तो मछुआरे ने कहा, अच्छा हाँ हाँ देखो मैं अभी भूत को छुड़ाता हूँ। फिर उन्होंने मछुआरे के माथे पर हाथ रखकर कुछ बिड़बिड़ बिड़बिड़ करके बोलने लगे, गुरुदेव लिख रहे बिड़बिड़ करके कुछ बोलने लगे। और जो भी हो उस मछुआरे को लगा कि ठीक ठाक मंत्र पढ़ा जा रहा है। और उसके बाद तीन थप्पड़ लगा दिया श्री स्वरूप दामोदर जी उसको, और बोला जाओ भूत भाग गया। तीन चापड़ मारी कहे भूत पलाई लो, भय ना पाही हो बोली सुस्थिर कुरिलो, क्योंकि इतना डरा हुआ था वो मछुआरा, बहुत डरा हुआ था, तो उसे लगा कि हाँ वाकई कुछ तंत्र मंत्र किया गया मेरे पे, अब ठीक हो गया मैं, अब डरो मत, सुस्थिर किया गया उनको। जैसे ही मतलब तीन थप्पड़ उनको मारा तो भूत का तो भय था ही, साथ ही साथ भूत का स्पर्श से प्रेम भी आया था। अब हुआ क्या कि थप्पड़ खा करके भय तो चला गया लेकिन प्रेम रह गया, महाप्रभु ने छुआ आखिर। और अब जो मछुआरा है सुस्थिर हो गया, अब डर से नहीं कांप रहा था, अब प्रेमानंद से रोए जा रहा था अश्रुपुलक। तब स्वरूप कहे जारे तुम्ही करो भूत ज्ञान, भूत नहीं ते हो, भूत नहीं ती हो श्री कृष्ण चैतन्य भगवान, जिसे तुम भूत समझ रहे हो ना मछुआरे, वो भूत नहीं है, वो भगवान है, श्री कृष्ण चैतन्य भगवान। जालिया को हे प्रभु के मुई देखिया चो बार बार, तीहो नहे यही अति विकृत आकार। आप क्या कह रहे हैं स्वरूप जी कि वो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैंने उन्हें देखा नहीं, बारम्बार देखा है मैंने, इतना विकृत आकार जो मैंने देखा है वो महाप्रभु कैसे हो सकते हैं। नाना ठाकुर वो नहीं हो सकते, वो तो भयंकर आकार है,
प्रभु कहे तार होए प्रेमेर विकार, अस्थि संधि छाड़े होए अति दीर्घाकार। स्वरूप दामोदर जी तो अभिन्न है ना श्रीमन महाप्रभु से, मानो महाप्रभु का दूसरा कलेवर ही है। महाप्रभु के भाव को जितनी अच्छी तरह से वो समझते हैं शायद ही कोई समझता हो, इसीलिए उन्होंने कह दिया कि वो तो प्रेम का विकार है जिसका दर्शन करने का सौभाग्य तुम्हें प्राप्त हुआ। अरे मछुआरे, अस्थि संधि छोड़ करके वो अत्यंत दीर्घाकार हो गए। प्रेमा वेशे पड़ी लाती हो समुद्रे रोजले, तारे तुम्हें उठाई अचो अपना जाले। जो तुम अपने जाल में भर करके जिसको लेकर के आए हो हैं, वो प्रेमावेश में पड़ करके, मतलब जिसको भी लाया तुमने वो प्रेमावेश में पड़ करके समुद्र के जल में चले गए और उन्हीं को तुम अपने जाल में खींचे थे। चलो दिखाओ मुझे। तो अब मछुआरा भी दौड़ा चला है कि चलो देखते हैं जाकर के। आनंद के साथ ले गया, ये देखिए। देखा तो वहीं किनारे पर महाप्रभु पड़े थे। उस समय भी उनका अस्थि संधि वियोग था। सारे शरीर में बालू लगा हुआ था। प्रभु की ये अवस्था देखकर स्वरूप जी रोने लगे। ऊपर से उनको ऊपर उठाया, बालू उन्होंने देखो ना किस तरह से वो डर करके छोड़ गया होगा, किनारे भी ढंग से नहीं लाया होगा, ऊपर उठाया और फिर बालू का पोंछा और फिर जो उन्होंने भीगा बहिर्वास वगैरह सारा, कपड़े तो गीले हो गए थे, वो सब हटा करके उनको सूखा कोपिन बहिर्वास वगैरह पहनाया और फिर उनके कान के पास हरिनाम संकीर्तन करना प्रारंभ किया। बहुत देर तक श्री कृष्ण नाम करते रहे। तब प्रभु को ज्ञान आया, वो हुंकार करके उठ गए और चारों तरफ देखने लगे। महाप्रभु कहाँ गया, ये मैं कहाँ गया, कितना कुछ हो गया, महाप्रभु को पता ही नहीं कहाँ गया। तू मुझे कहाँ ले आए, जमुना के जल में गोपियों के साथ मैं गोपीनाथ की जल क्रीड़ा देख रहा था और फिर सारा जल विहार श्लोकों के माध्यम से वर्णन किया श्री चैतन्य महाप्रभु ने। और फिर उसके बाद भक्तगण उनको गंभीरा ले आए। तो ये हुआ कभू सिंधु नीरे, कभी सिंधु नीर पे वो गिरते हैं। इसके बाद फिर से प्रभु के विकार और जो है दिव्य उन्माद का वर्णन कर रहे हैं श्री गोस्वामी पाद कविराज जी। श्रीमद् महाप्रभु की कृपा होगी तो आगामी काल हम इसके आगे की कथा कहेंगे, जो भी गुरुदेव कहेंगे उसी का अनुवाद आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ आज की भागवती कथा यहीं विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम श्री गुरु निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल।